हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारियां नूं। निक्के कार केयर से आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं। मेरे पास आई है स्कॉडा की रैपिड। अब ये स्टार्ट नहीं हो रही, हाइड्रोजन होके आई है हमारे पास में। अब देखिए इसमें जो हीटर का लाइट ब्लिंक मार रहा है, चेक लाइट तो आ रही है, बैटरी लाइट सब आ रही है। अभी हम लोग इसको स्कैन किए, स्कैन करने के बाद में देखिए इसमें फ्यूल इंजेक्टर का जो अपना कोड है वो दिखा रहा है, P21460 करके। उसके बाद ये जो 4 नंबर सिलेंडर, 2 नंबर सिलेंडर ऐसा सब दिखा रहा है। तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या किया है कि नोजल ख़राब लग रहे थे तो नोजल को हमने उल्टे फिट किए हैं, देखिए निकाल के गाड़ी में। चल अब इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं कि नहीं ये सब देखने के लिए इसको ऐसा उल्टा लगाया है। चल मारो, अभी नहीं ये नहीं निकल ले पाएगा। मार मार बस, ठीक है। अब उसका जो, हाँ जी ये देखिए, अभी ये देखो हमारे जो नोजल हैं ये स्प्रे मारने लग गए हैं। मार, 1 नंबर 2 नंबर। अब ये जो नोजल है जो आखिरी 4 नंबर, इसका सॉकेट हमने निकाल दिया है। देखिए अब इसका सॉकेट लगाऊंगा तो ये नोजल भी, इस चारों नोजल स्प्रे मारना बंद कर देंगे। लगा दो वापस। हाँ चल अब मार। देखिए हमने ये नोजल में वायर लगा दी इसकी तो स्प्रे आना बंद हो गया, मतलब ये नोजल हमारा शॉर्ट है। इसका सेंसर खराब है कि नोजल शॉर्ट है। अब ये नोजल वाले को दिखाएंगे तो प्रोसेस यही बोलता है कि आप इसको उल्टा करके, ऐसा चारों नोजल में से अगर कोई एक शॉर्ट होगा तो उल्टा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। एक बार निकाल के वायर फिर से स्प्रे मार के दिखा। हाँ मारो। ये देखिए उसकी वायर लगाने से ही स्प्रे आना बंद हो जाता है, वायर निकालने से स्प्रे आना चालू हो जाता है। तो हम इसको वापस, अब तीन को वापस फिट करेंगे और ये चौथे वाले को अपन मशीन में भी चेक कराएंगे एक बार। तो देखते हैं अभी आगे स्टार्ट होता है कि नहीं 3 सिलेंडर में 3 इंजेक्टर में। हाँ जी फाइनली हमने ये देखिए 1 नंबर का नोजल तो था जो हमारा ख़राब था, उसके ये सेंसर बदली करा के लाए हैं। तो हम पूरे नोजल में फिट करके एयर निकाल ली है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो देखो मारो, तो स्टार्ट करो। चारों से एयर निकाल लिया ना सभी से। अंदर में कुछ आवाज भी लग रहा है, गाड़ी तो स्टार्ट हो गया है। ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं क्या काम है।